नॉलेज मैनेजमेंट को किस तरह के चैलेंज दरपेश हैं उनके ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि उन चैलेंज को फेस करने के लिए उनको कोप करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो कुछ चैलेंज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मज़ीद आइए देखते हैं एक चैलेंज जो नॉलेज मैनेजमेंट के काम में सामने आता है वो है सम पीपल प्रडिक्ट नो फ्यूचर फॉर के कि बाद लोग ये समझते हैं कि के का कोई फ्यूचर नहीं है और इसके लिए वो साइड करते हैं नंबर ऑफ फेलियर्स टू डिलीवर के बाद इदारों में ये सिस्टम फेल हुआ है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है अंडर एस्टिमेटिंग द पीपल कंपोनेंट ऑफ के कि जो लोगों का कंपोनेंट है जो अफराद का कंपोनेंट है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कु बी ईजीली एंड रैपिडली चेंज लोग समझते हैं कि बड़ी तेजी से चेंज होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है बिहेवियल चेंज एट द इंडिविजुअल लेवल एंड कल्चरल चेंज एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आर वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी प्रोसेस ये बड़ा सबर असबा काम है इसके लिए इंतजार करना पड़ता है ओवर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन के एम सोल्यूशन ये एक दूसरा मसला है कि टेक्नोलॉजी के बारे में समझा जाता है कि यही तमाम मसाइल का हल है और इस पर ओवर एम्फेसिस किया जाता है अकेम स्ट्रेटजी इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट प्रोएक्टिवली और इसके मीनिंग क्या है कि एक्टिंग बिफोर द प्रॉब्लम अकर्स देन रिएक्टिवली अब रिएक्टिवली का मतलब है एक्टिंग आफ्टर अ क्राइसिस हैज यानी एक बहुत बड़ा मसला ये है नॉलेज मैनेजमेंट को लोग बाज रिएक्टिविटी समझते हैं हालांकि इसको प्रोएक्टिव होना चाहिए आइए देखते हैं कि प्रोएक्टिव होने के लिए किस तरह की रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं तो इसमें सबसे पहले है इम्प्रूविंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज तक एक्सेस को कैसे बढ़ाया जाए कवरिंग द अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड अफर्डेबलिटी ऑफ इंफॉर्मेन एस्पेश ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज ओवरऑल एक कल्चर बनाने की ज़रूरत है कि इंफॉमेशन को महफूज किया जाए और उसे एक्सेसिबल किया जाए और ख़ासतौर पर गरीब मुल्कों के लिए उसे अफोर्डेबल बनाया जाए इसमें दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रमोटिंग नॉलेज शेयरिंग थ्रू लर्निंग सर्कल्स एंड वर्टिकल एंड हॉरिजनटल कोलेशन पीयर टू पीयर लर्निंग नॉलेज नेटवर्क्स इंफोमीटरीज हेल्प डेस्क ई लर्निंग एंड बेटर इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल लर्निंग विद टारगेट ग्रुप्स अब इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कल्चर बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें लोग लर्निंग सर्कल्स बनाएं और कई तरीकों से आपस में जो है वो नॉलेज को शेयर करें तो नॉलेज की शेयरिंग का कल्चर बनाना इंतहाई ज़रूरी है उसके नतीजे में आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच बना सकते हैं इसके बाद एक और रिकमेंडेशन है कि नेटवर्किंग एंड इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन ये नेटवर्किंग का काम करना होगा कवरिंग नेटवर्किंग मॉडल्स डिजिटल सॉलिडेरिटी कलेब्रेशन टूल्स लाइक पोर्टल्स एंड कॉमन टक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल थिसोरस वगैरह बनाने पड़ेंगे एंड नेटवर्क इफ़ेक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स के आपस में एक नेटवर्किंग का कल्चर बनाना पड़ेगा और यह रीजनली भी होगा और इंटरनेशनली भी होगा और आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आप रीजन वाइज या इंटरनेशनली इस तरह की नेटवर्किंग आसानी से बना सकते हैं इसके बाद एक और रिकमेंडेशन है कि इंक्लूडिंग द डवेलपमेंट ऑफ लोकल कंटेंट इन लोकल लैंग्वेज एंड डिसमिनेशन चैनल्स बिसाइड्स इंटरनेट कैपैसिटी बिल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल हैंड स्टैंडर्ड्स क्या आपका जो लोकल कंटेंट है उसको लोकल लैंग्वेज में डेवलप करना पड़ेगा उसको कैप्चर करके उसको कोडिफाई करके उसको महफूज करना होगा और लोकली उसे शेयर करने का कोई मैकेजम बनाना पड़ेगा जो इंटरनेट से हट के हो सकता है और इसमें एक और रिकमेंडेशन ये है और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे प्रो एक्टिव अप्रोच अपना के तो नॉलेज मैनेजमेंट के काम को इम्प्लीमेंट करें तो ये रिकमेंडेशन ये है कि अवॉइडिंग वीक इंसेंटिव्स अ वीक इंसेंटिव इज एन इंसेंटिव दैट डज नाट इनक्रेज मैक्सिमाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इज़ एम्बिगुअस कि इंसेंटिवस का रिवार्ड्स का एक सिस्टम बनाना होगा और जहाँ पे रिवार्ड्स का सिस्टम इंसेंटिवस का सिस्टम अच्छा नहीं होगा नॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाना वहाँ पे मुमकिन नहीं होगा